Today in this video, I will tell you how you can earn rupees 8,000 per day by just doing affiliate marketing. This is a affiliate marketing for beginners tutorial. अगर तुम affiliate marketing करना चाहते हो और तुम चाहते हो कि तुम कोई website नहीं बनाओ, कोई किसी भी तरीके का investment नहीं करो, तो ये video तुम्हारे लिए है. क्योंकि आज के इस video में मैं एक affiliate marketing का ऐसा full proof method बताऊंगी जिससे तुम बिना कोई website बनाए, बिना भी एक पैसा खर्चे affiliate marketing start कर सकते हो और earning करना शुरू कर सकते हो. अब ये method एकदम genuine है, full proof है, क्योंकि मैंने इसको test करा है और तभी तुम्हारे पास लेकर आई हूं. और नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट मी टेल यू, दिस इज अ फुल प्रूफ मेथड टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगनर्स. क्योंकि यहां पर तुम्हें वेबसाइट नहीं बनानी, तुम्हें कोई टेक्निकल चीजों में नहीं घुसना, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस और बस एक वेबसाइट के लिए जाकर लिखना है और उस वेबसाइट के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग करनी है. यानी कि एक वेबसाइट का मैं नाम बताऊंगी, तुम्हें उनकी वेबसाइट पर जाकर कंटेंट डालना होगा, एफिलिएट लिंक्स डालने होंगे, बस, और तुम्हारी वहां से सेल्स जनरेट स्टार्ट हो जाएगी, तुम्हें कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा. अब सबसे पहले मैं उस वेबसाइट का नाम रिवील करना चाहूंगी जिस पे जाके तुम्हें एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करनी है. उसका नाम है boardpanda.com. अब ये वेबसाइट अलाउ करती है किसी भी इंडिविजुअल को, कोई भी इंडिविजुअल, किसी भी जो इनकी गिवन कैटेगरीज है उस पे आके किसी भी तरीके का राइट अप कंटेंट डाल सकता है. ये सबसे अच्छी बात है. अब मैंने ये वेबसाइट क्यों चूज करी उसका रीजन बताती हूं. क्योंकि अगर तुम इस boardpanda वेबसाइट का ट्रैफिक देखो तो यहाँ पे मंथली ऑलरेडी 22.9 मिलियन व्यूज आते हैं और एवरेज विजिट ड्यूरेशन इज 4.17. यानी कि कोई भी रीडर आके यहाँ पर कम से कम 4 मिनट के लिए रुकता है. तो ये बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है कि ये वेबसाइट रीडर्स को बहुत पसंद आती है. तो अगर तुम इस वेबसाइट पे कंटेंट अपना डालोगे, एफिलिएट लिंक्स डालोगे, तो उसको 29.9 मिलियन लोग पढ़ेंगे और चांसेस, इनफैक्ट आई वुड से श्योरिटी है कि तुम्हारे लिंक्स के थ्रू इन विजिटर्स में से आराम से 10-20 विजिटर्स तो डेली तुम्हारे लिंक के थ्रू परचेस करेंगे ही करेंगे. देखो अप्रैल में यहाँ पे 25.6 मिलियन विजिट्स थे, मई में 26.8, जून में 22.9 मिलियन. उसके अलावा एक और चीज़ दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आता है वो आता है यूएस का और यूके का. 41.41 यूएस, 8.09 यूके, कनाडा इज 5.96, ऑस्ट्रेलिया इज 4.14. तो तुम्हें यहाँ पे वो एफिलिएट लिंक्स डालने होंगे उन प्रोडक्ट्स के जो कि यूएस और यूके में लोग ज़्यादा खरीदते हैं. अब तुम्हें पता होगा अगर तुम इंडियन सिटीजन हो, पाकिस्तानी सिटीजन हो या कोई भी हिंदी स्पीकिंग कंट्री के सिटीजन हो, तो तुम्हें अगर यूएस और यूके के लिए एफिलिएट मार्केटिंग करनी होगी तो तुम्हारा रिटर्न बहुत ज़्यादा होगा. क्योंकि ये लोग डॉलर्स में पे करते हैं और इनका जो कमीशन रेट होता है एफिलिएट का वो बहुत ज़्यादा होता है. आगे मैं तुम्हें सारी चीज़ें समझाऊंगी, तुम्हें कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है, किसका तुम्हें कमीशन ज़्यादा मिलेगा. उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, ऑडियंस का रेशियो भी 48.79% फीमेल है, 51.21% मेल है. तो ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है एफिलिएट मार्केटिंग करने की बिना अपनी वेबसाइट बनाए. अब हम boardpanda.com पे चलते हैं और देखते हैं कि तुम यहां पे किस किस कैटेगरीज में कंटेंट डाल सकते हो. देखो तुम यहाँ पे आस्क पांडा, इलस्ट्रेशन, पेरेंटिंग, कॉमिक्स, चैलेंज, DIY, गुड न्यूज, ट्रैवल, सोशल इश्यूज, पीपल, नेचर, फैशन, फूड, एंटरटेनमेंट, बॉडी आर्ट, हिस्ट्री, डिजाइन, इनफैक्ट आई वुड से हर एक कैटेगरी में तुम यहाँ पे कंटेंट लिखते हो, डाल सकते हो. अगर तुम्हें ब्यूटी के बारे में नॉलेज है तो तुम ब्यूटी का कंटेंट डाल सकते हो और उसके रिलेटेड एफिलिएट लिंक्स. या तुम्हें अगर हिस्ट्री का नॉलेज है, उसके रेसिपी का नॉलेज है, उसके मूवीज, पेरेंटिंग, हर एक चीज की कैटेगरी है, तो तुम्हें क्या करना होगा, boardpanda पे ये जितनी भी कैटेगरीज है इनमें से जो तुम्हारी फेवरेट 2-3 कैटेगरीज है उस पे आर्टिकल लिखने होंगे और उसके साथ साथ जो तुमने आर्टिकल जिस कैटेगरी में लिखा है उसके रिलेटेड एफिलिएट लिंक्स डालने होंगे ताकि लोग जब उस आर्टिकल को पढ़े, तुम्हारे एफिलिएट लिंक देखें, तो फिर तुम्हारे आर्टिकल की हेल्प से जाके वो उस प्रोडक्ट को बाय करें. अब अगर मैं तुम्हें इसका एक आर्टिकल दिखाऊं, 50 ऑफ द फनीएस्ट कार्स दैट पीपल हैव स्टंबल्ड अपॉन इन द स्ट्रीट्स एंड जस्ट हैड टू टेक पिक्स ऑन. अब तुम देखो इस आर्टिकल के 146 शेयर्स ऑलरेडी हैं, यानी कि अगर 146 लोगों ने शेयर करा है तो आई एम प्रिटी श्योर कि ये आर्टिकल 5,000 से 10,000 लोगों ने तो पढ़ा ही पढ़ा है. और अगर तुम्हारा कोई भी आर्टिकल 5 से 10,000 लोग पढ़ते हैं तो ये बहुत ही ऑब्वियस बात है, उसमें से 5 से 10 लोग जो तुमने लिंक डाला है वो तो
क्लिक करके कुछ ना कुछ उसके थ्रू सेल करेंगे ही करेंगे. सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप कि तुम्हें इस वेबसाइट पे आके अपना आर्टिकल डालना है. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ. अब तुम्हारा स्टेप वन कंप्लीट हो गया, तुमने बोर्ड पांडा को देख लिया, तुमने बोर्ड पांडा में जिस कैटेगरी को चूज करना है वो कैटेगरी चूज कर ली. अब तुम्हें जाना है स्टेप टू पे, दैट इज क्रिएटिंग एन अकाउंट ऑन बोर्ड पांडा. तुम्हें यहाँ पे एक अकाउंट बनाना है ताकि तुम इनकी वेबसाइट पे जाके कॉन्टेंट पोस्ट कर सको. सो दिस इज वेरी ईजी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. इसके साइन इन सेक्शन पे जाना, अपना पासवर्ड और अपना ईमेल आईडी यूज करके अकाउंट बना लेना. आई एम नॉट गोना शो दिस वन. अब आता है हमारा स्टेप थ्री, दैट इज चूजिंग एन एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम एंड चूजिंग एफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू योर कैटेगरी. अब आजकल बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, शेयर अ सेल, क्लिक बैंक, डिजी स्टोर, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हर एक चीज की एफिलिएट मार्केटिंग होती है. तुम्हें अपने अकॉर्डिंग अपना एक एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म चूज करना है. एंड आई वुड सजेस्ट यू, अगर तुम यूएस और यूके ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, जो कि तुम्हें बोर्ड पांडा के थ्रू करना होगा क्योंकि बोर्ड पांडा पे सबसे ज्यादा यूएस, यूके, कनाडा का ट्रैफिक आता है, तो तुम्हें इन्हीं कंट्रीज को टारगेट करना होगा. तो इन कंट्रीज के रिलेटेड सबसे अच्छे दो जो एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स जो मुझे पसंद है वो है तुम्हारा शेयर अ सेल और डिजी स्टोर 24. उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तुम अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना. अब इसमें से मैं तुम्हें एक प्लेटफॉर्म पर दिखाती हूँ कि तुम कैसे कैसे प्रोडक्ट्स चूज कर सकते हो और तुम्हें प्रोडक्ट्स चूज करते टाइम क्या क्या ध्यान देना है. उसके लिए अगेन कम टू माई लैपटॉप स्क्रीन. ये डिजी स्टोर 24 है जो कि एक बहुत ही पॉपुलर एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है. इस पे अकाउंट बना लेना. अकाउंट बनाने के बाद यू हैव टू कम टू दिस ऑप्शन मार्केट प्लेस. इस मार्केट प्लेस में तुम्हें हर एक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे. जो भी तुमने कैटेगरी चूज करी होगी, आई एम प्रिटी श्योर हर एक कैटेगरी के तुम्हें यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे. और फिर तुम्हें अपनी कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें से जो सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनको चूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं कि तुम फिटनेस और हेल्थ के रिलेटेड कंटेंट डालने वाले हो बोर्ड पांडा पे, तो यू विल कम टू दिस ऑप्शन फिटनेस एंड हेल्थ. अब अगर मैं इसका पहला प्रोडक्ट देखूं तो वो है अल्टीमेट कोड कीटो प्लान, मेक $37 AOV विथ $1 सेल. अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कमीशन रेट बहुत ज़्यादा है, 85%. तो स्टेप वन, प्रोडक्ट चूज करते टाइम तुम्हें यह ध्यान रखना है, उन प्रोडक्ट्स को चूज करना है जिसका कमीशन रेट बहुत ज़्यादा हो, यानी कि तुम्हें एक प्रोडक्ट सेल करने पे अराउंड $35 की अर्निंग होगी. उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, कमीशन रेट इज 85%, अर्निंग पर सेल इज $35.19. देन यहाँ पे जो सेलर्स रैंक है इसकी 2 है. ध्यान रखना कि सेलर रैंक भी अच्छी होनी चाहिए और कार्ट कन्वर्जन रेट भी अच्छा होना चाहिए. कार्ट कन्वर्जन 19% इज अ वेरी गुड रेट, यानी कि अगर तुम्हारे 100 लोग आते हैं तो इसमें से 19 लोग तो ये प्रोडक्ट खरीद ही लेते हैं. उसके अलावा अगर हम दूसरा देखें, ये है EMF डिफेंस नेगेटिव आयन स्टिकर, इसका कमीशन है 70%. उसके अलावा स्मार्ट ब्लड शुगर का एक प्रोडक्ट है जिसका कमीशन है 80%. तो अगर मैं ये प्रोडक्ट देखूं और मैं सोच रही हूँ बोर्ड पांडा पे आर्टिकल लिखने की, तो मैं एक आर्टिकल लिख सकती हूँ जो कि डिस्क्राइब करेगा हाउ यू कैन इफेक्टिवली यूज कीटो प्लान, और फिर उस आर्टिकल में मैं इस प्रोडक्ट का लिंक डाल सकती हूँ. या तो मैं एक आर्टिकल लिख सकती हूँ हाउ व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस यू शुड डू टू कंट्रोल योर ब्लड शुगर, टू कंट्रोल योर डायबिटीज, और इस प्रोडक्ट का लिंक डाल सकती हूँ. तो तुम ये ध्यान रखना, जो प्रोडक्ट तुम सेलेक्ट करोगे उसके रिगार्डिंग ही आर्टिकल डालना, ताकि तुम्हारी जो कन्वर्जन रेट है वो अच्छे से हो, ताकि तुम्हारा जो आर्टिकल पढ़े उसको जरूरत हो और वो तुरंत तुम्हारी सेल में कन्वर्ट हो जाए. प्रोडक्ट चूज करते टाइम थोड़ा सा ध्यान देना कमीशन रेट पे, सेल्स पे, सेल रैंक पे, कार्ट कन्वर्जन पे और अपने एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे. एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे ज़्यादातर जेन्युइन होते हैं. शेयर अ सेल, डिजी स्टोर 24, क्लिक बैंक तो एकदम ही जेन्युइन प्लेटफॉर्म है. तुम इन तीनों में से एक चूज कर सकते हो या तीनों चूज कर सकते हो. उसके अलावा ध्यान रखना कि तुम अपना पेपैल अकाउंट बना लेना टू गेट मनी, बिकॉज पेपैल इज द मोस्ट सेफेस्ट वे टू रिसीव मनी इंटरनेशनली. पेपैल कैसे बनाते हैं उसका एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, लिंक तुम्हें ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अब इसके बाद आता है हमारा स्टेप 4, टू राइट आर्टिकल्स रिलेटेड टू योर कैटेगरी एंड रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स यू हैव चोजन.
अब आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी इस पे बनाए हुए हैं, एक लिंक यहाँ पे डाल दूंगी जो तुम्हें ए टू जेड बता देगा कि आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं, आउटलाइन कैसे बनाते हैं, सब कुछ बता देगा। उसके अलावा इफ़ यू आर समबडी जिसको आर्टिकल्स लिखना नहीं आता, जो किया जो आर्टिकल्स सीखना चाहता है लिखना, तो यू कैन यूज़ ए आई टूल्स। बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं जिनको तुम यूज़ करके बहुत ईजिली आर्टिकल लिख सकते हो। एक दो का मैं तुम्हें नाम बता देती हूँ, कॉपीमैटिक एंड क्विलबॉट। ये दोनों ऐसे सुपर पावरफुल AI टूल्स हैं जिनका तुम यूज़ करके आर्टिकल लिख सकते हो। उसके अलावा एक और हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइटिंग का टूल है, दैट इज़ एनीवर्ड। ये तीनों टूल्स मैंने पर्सनली यूज़ करे हैं, मुझे पता है ये बहुत अच्छा लिखते हैं। उसके अलावा अगर तुम्हें इन टूल्स का यूज़ नहीं करना फिर भी कुछ आर्टिकल लिखना है, तो यू कैन ऑलवेज डू गूगल रिसर्च। जो टॉपिक पर तुम लिखने वाले हो उसको गूगल रिसर्च करो और शुरू के जो 10 वेबसाइट्स हैं उनमें से एक एक पैराग्राफ उठाओ और उन एक एक पैराग्राफ को अपने वर्ड में चेंज करके एक नया आर्टिकल बना लो। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड टेक्निक टू राइट आर्टिकल्स विदाउट इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। पैराफ्रेजिंग तुम्हें करनी होगी बट दिमाग लगा के पैराफ्रेजिंग करनी होगी। अपने टॉपिक के रिलेटेड 10-12 बेस्ट वेबसाइट उठाना, हर एक वेबसाइट का बेस्ट पैराग्राफ उठा के अपने आर्टिकल में डालना और फिर जब तुम्हारा आर्टिकल बन जाए उसको फिर पैराफ्रेज कर देना। इस तरीके का आर्टिकल लिखने में तुम्हें मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा लगता है। और एक बात और, जब तुम बोर्ड पांडा पे आर्टिकल लिखोगे तो ये ध्यान रख लेना उस आर्टिकल की लेंथ अराउंड 500 से 1000 वर्ड की हो और तुमने उस आर्टिकल में सब कुछ बहुत अच्छे से समझा दिया हो, ताकि जो तुम्हारा एफिलिएट प्रोडक्ट जो तुम रिकमेंड कर रहे हो वो यूजर्स को पसंद आ जाए, उनको ये लगे कि हाँ दिस इज द थिंग दे रियली वॉन्टेड। सो राइट गुड कॉन्टेंट ऑन बोर्ड पांडा टू गेट अ लॉट ऑफ एफिलिएट सेल्स। अब इसके बाद आता है हमारा लास्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 5, जहां पे तुम्हें बोर्ड पांडा पे कंटेंट डालना होगा। जो तुमने कंटेंट रेडी करा है उसको बोर्ड पांडा पे तुम कैसे डालोगे वो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ प्रैक्टिकली करके। उसके लिए अगेन यू हैव टू कम टू माय लैपटॉप स्क्रीन। मैंने बोर्ड पांडा पे एक ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है। अकाउंट बनाने के बाद तुम्हें उसे लॉग इन करना है, फिर यहाँ पे तुम्हें ये जो ऐड पोस्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तुम्हें ये 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ऐड अ पोस्ट, ऐड अ आस्क अ क्वेश्चन, क्रिएट अ चैलेंज। अब हम क्योंकि पोस्ट ऐड करने वाले हैं, वी विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, देन ड्रैग एंड ड्रॉप इमेजेस हियर। अगर तुम्हारी कोई इमेज है क्या, कोई वीडियो है तो तुम यहाँ पे ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें ये देखो पूरा ऑप्शन आ गया। सबसे पहले तुम्हें अपने आर्टिकल का टाइटल पोस्ट करना होगा। सिंपली मैं एक पर्टिकुलर, मेरा SEO करा हुआ था वो ही डाल देती हूँ जस्ट टू शो यू। यहाँ डाला हमने आर्टिकल का नाम, फिर यहाँ पे हमें पूरा कंटेंट डालना होगा। अगेन आई विल जस्ट डू कट कॉपी पेस्ट, दिस इज़ रैंडम, मैंने कुछ सोच के नहीं लिख रही हूँ, दिस इज़ जस्ट रैंडम आर्टिकल जो मेरे उस पर पड़ा हुआ था, ठीक है। देन व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ऐड फोटो और वीडियो। के बाद तुम्हें यहाँ पर आकर अपना जो लिंक तुमने अपने एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जनरेट करा था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। जैसे ही तुम उस लिंक को पेस्ट करोगे तुम्हारा पूरा एफिलिएट कंटेंट जनरेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तुम अपनी कैटेगरी चूज कर लेना। सपोज अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पे डिजिटल आर्ट की चूज कर सकती हूँ। उसके अलावा अपने अकॉर्डिंग पोस्ट के रिलेटेड टैग्स डाल देना। सपोज अगर मैंने कॉन्टेंट राइटिंग की बात करूँ तो मैं कॉन्टेंट राइटिंग बेस्ट कंटेंट राइटिंग के टैग्स डाल सकती हूँ। अब ये सारे डालने के बाद यू हैव टू ऐड योर एफिलिएट लिंक हियर। एफिलिएट लिंक तुम यहां पे डालोगे। एफिलिएट लिंक तुम्हारा वो लिंक होगा जो कि तुम अपने एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से सेलेक्ट करोगे। इट इज़ वेरी ईजी, अपने एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर जब तुम वर्क करना स्टार्ट करोगे तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। तुम यहाँ पे वो लिंक डाल देना। अब ये ध्यान रखना, जब तक तुम फोटोग्राफ नहीं डालोगे तुम आर्टिकल सबमिट नहीं कर सकते। तो इसीलिए अपने आर्टिकल के रिलेटेड पहले ही तुम फोटोग्राफ सेलेक्ट कर लेना, चूज कर लेना, बेस्ट फोटोग्राफ डाल देना। उसके बाद तुम इस सबमिट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हारा आर्टिकल यहाँ सबमिट हो जाएगा एंड इट वुड बी रेडी फॉर यूजर्स टू रीड। उसके अलावा तुम आर्टिकल ड्राफ्ट में भी सेव कर सकते हो और जब तुम्हें लगे इट इज़ द बेस्ट टाइम टू पोस्ट यू कैन पोस्ट इट। उसके अलावा यहाँ पे एक प्रीव्यू का भी ऑप्शन है, तो तुम अपने अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट आर्टिकल यहाँ पे डाल देना।
अब आर्टिकल डालने के बाद कोशिश ये करना कि तुम रेडिट पे या जितने भी यूएस यूके के फोरम्स हैं उस पे भी अपना आर्टिकल को प्रमोट कर दो, ताकि तुम्हें वहां से भी ट्रैफिक आने लगे तुम्हारे आर्टिकल पे और तुम्हारे एफिलिएट लिंक पे। सो दिस इज ऑल अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगनर्स। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग इफ यू आर अ कंप्लीट बिगनर। यूजिंग दिस फुल प्रूफ मेथड आई कैन गारंटी यू यू विल स्टार्ट अर्निंग। हाँ, थोड़ा सा 2-3 हफ्ता लग सकता है अर्निंग आने में, बट अगर तुमने उस 2-3 हफ्ते में कुछ बहुत ही अच्छे 5-10 आर्टिकल डाल दिए तो आई कैन गारंटी यू कि तुम्हें 2-3 हफ्ते में अच्छी खासी अर्निंग आने लगेगी। और जब एक बार अर्निंग आना स्टार्ट होती है तो बिलीव मी हर रोज सेल्स होती है। ये मेरा खुद का ट्राइड और टेस्टेड तरीका है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन।